हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो मैं आई थी सीपी कनॉट प्लेस और मैंने यहां की जनपद मार्केट अभी तक एक्सप्लोर नहीं की थी। तो मैं आज जनपद मार्केट एक्सप्लोर करने आई हूं और देखने आई हूं कि वाकई में यहां पर जो कलेक्शन मिलता है वो अच्छा है या नहीं है और कैसा है, क्योंकि मैंने आज तक यहाँ की मार्केट नहीं देखी। तो चलिए चलते हैं जनपद मार्केट और दिखाते हैं आपको यहाँ की मार्केट, यहाँ का कलेक्शन और फिर बाकी बात सारी हम आगे। तो जी, हम अगर सीपी आए और जनपद मार्केट ना आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। मैं कभी भी जनपद मार्केट नहीं आई। अभी तक मैंने दिल्ली ऑलमोस्ट पूरी कवर करी है, लेकिन जनपद की मार्केट में कभी नहीं आई हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ जनपद की मार्केट कवर करने। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ की मार्केट और क्या क्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करना। तो जी, जल्दी हैं हम मार्केट की साइड। और पहले यहाँ पर ये शॉप्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस के क्लोथिंग वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह मिल जाएंगी। और जो मेन मार्केट है वहाँ पे आपको अच्छा और चीप प्राइस पे सामान मिलता है। तो जैसे ही हमने एंट्री करी यहाँ पे, ये देखो घर के डेकोरेशन के लिए यहाँ पे कलेक्शन था, बहुत ही प्यारा था। और जैसे ही हम अंदर गए तो यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे सूट्स के कलेक्शन दिखाई दे गए, जो कि बहुत अच्छे प्राइस पे थे। और जब हम यहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं तो ये हमें अच्छे प्राइस पे लगा देते हैं। और देखो, मुझे ये सूट ना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसमें काफ़ी कलर थे और यहाँ पर मेंस के लिए भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। और फिर मैंने देखे यहाँ पे कोट सेट वगैरह जो थे ना, वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही मतलब सही प्राइस पे थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थे, हालांकि ये प्राइस जो है ना वो सभी जगह सेम ही चल रहा है, लेकिन जो इनका कलेक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी मतलब तरह का कलेक्शन था। और यहाँ पे ये देखो कितने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स वगैरह, इयर रिंग्स, चोकर सब थे यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दिए। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो मेंस के लिए भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, काफ़ी प्यारे प्यारे शर्ट्स वगैरह थी। लेकिन स्पेशली जनपद कि जो मार्केट है ना वो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि लेडीज़ कलेक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये देखो कुर्तियाँ मिल रही थी, 500 की 2 कुर्ती थी। तो जी, हम आ गए थे जनपद मार्केट और ये भी एक इत्तेफाक ही है मेरे लिए तो, कि मैं फ़र्स्ट टाइम जनपद मार्केट आई हूँ। दिल्ली में रहने के बावजूद भी जो जनपद मार्केट है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। तो आप लोग शायद इस बात पे हंसेंगे कि दिल्ली में रहने वाली है और दिल्ली में इतने टाइम से दिल्ली ऑल ओवर कवर कर चुकी हूँ, उसके बावजूद कभी जनपद की मैंने मार्केट नहीं देखी थी। सच में मैंने नहीं देखी थी और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट आई हूँ। तो बहुत अच्छी लगी यहाँ की मार्केट, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और बहुत प्यारे प्यारे सूट थे। तो मेरा तो देख देख के जो दिल था ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। और पता है, एक चीज़ बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि अगर आप प्राइस लगवाते हैं ना तो आपको प्राइस बहुत अच्छे रीज़नेबल पे वो लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि जो फिक्स है तो वो फिक्स ही है, तो अच्छे प्राइस पे भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जी, हम इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको जनपद मार्केट कैसी लगी, कैसी नहीं। अगर आपने देखी हुई है तो भी मुझे बताना है कि क्या मैंने आपको सही चीज़ें दिखाई हैं, सही मार्केट दिखाई है या नहीं। बाकी इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।